वाह जी वाह, बगल देखें कहाँ जा रही हो, मेरे अंगूठे पे चढ़ी हुई है। मजा आता है कुछ लोगों की वीडियोस देख के ना, बड़ा मजा आता है। और चलो जी एंजॉय करते हैं, मैं भी आपके साथ आज थोड़ा एंजॉय। और ये टेल है जी, अब मैं इसको कौन सी टेल कहूँ, टाई वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो में। और मैं आज आपके लिए फिर से एक और कबूतर जो है शो कराने के लिए लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कबूतर जो है पसंद आएगा, और इसकी मैं पूरी आपको डिटेल भी शेयर करूँगा। तो ये किस तरह से बना हुआ है मेरे पास, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये सबसे पहले इसका कलर देख लें, आपके सामने ये कलर, ठीक है। ये अब कई लोग इसको सेबे वाला बोलते हैं, इसको ऐसे रंग वालों को कबूतरों को, बट ये ना तो कोई सेबे वाला ना कुछ। तो चलें जी, इसको चीना ही कहूँगा मैं फिलहाल तो, मैं और चीना ही कबूतर ही है बेसिकली। तो सबसे पहले इसकी आँख पे आ जाते हैं, और ये देखिए जी इसकी आँख, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपको, इसकी आँख दिखाता हूँ, प्रॉपर शो करेंगे हम इसका। ये चेक करें जी, ये आ गई इसकी आँख, देखें। और जूम करूँ, चलें जी जूम पे जूम, हैं वाह जी वाह जी वाह, क्या आँख लगी है इसको, हैं। बड़े बड़े जो कबूतर परवर हजरात होते हैं, परवर भाई हैं जो, उनकी वीडियोस देख के या यूट्यूबर्स के जो वीडियोस होते हैं उनके देख के बड़ा मजा आ जाता है। वाह जी वाह जी वाह, क्या आंख है, जर्रे रिंग है, पूरी पुख्ता आंख है जी, पुख्ता आंख, बिल्कुल मजा आ गया जी, मजा आ गया। तो बस जी, हमारे पास भी थोड़े बहुत ये पुख्ता आंख के हैं जो रिंग जर्रे वाले, हल्के हल्के ये जर्रे रिंग जो है ये हैं हमारे पास भी कबूतर थोड़े बहुत। अब इसकी दूसरी आंख भी शो करिए ज़रा, ये मैं आपको धूप में शो करा रहा हूँ मैं, तो चेक कर लें इसकी दूसरी आंख भी, चेक कर लें ये जी फोकस। वाह जी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्या नूर है, क्या पलक है जी, क्या नोक मोरा चेहरा, चेक करें इसका चेहरा मोरा, हाँ पलक दंदे इसकी पलक के ऊपर, आँख का नूर और ज़मीन, और आखिर में वो देखे ऑरेंज सा जर्रा आपको नज़र आ रहा होगा, लाल जर्रा, हाँ लाल ज़मीन। उसके बाद चेक कर लीजिए इसका पल्ला, अब आते हैं इसके पल्ले पे, अब वाह वाह करनी पड़ेगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कबूतर है, ओ भाई पार तो खोलने दे, आग है जी आग, आग है जी आग बिल्कुल, हैं। ये चेक करें जी पल्ला इसका, चेक करें अब बताएं जी, वाह वाह क्या पल्ला लगा यार कबूतर को। और ये चेक करें जी आखिरी पर, चेक करें इसके नौमा इसका बड़ा है अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ टाइम के बाद जाके ना दसवा बड़ा करेगा। चलें जी बाकी ये देखें जरा पर इसका, चेक करें वाह जी वाह, बगल देखें कहाँ जा रही हो, मेरे अंगूठे पे चढ़ी हुई है वो बिल्कुल, वो बगल देखें चेक करें। अब आते हैं जी दूसरी साइड पे, इसके दूसरे पल्ले पे, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें, पकड़ते टाइम ना ये थोड़ा अपसेट से हो जाते हैं। तो ये देखें जी, वाह जी वाह क्या पल्ला लगा जी, हैं पूरी स्क्रीन में फिट आ रहा है, चेक करें स्क्रीन में फिट कर दिया मैंने। मज़ा आता है कुछ लोगों की वीडियोस देख के ना, बड़ा मज़ा आता है। और चलो जी एंजॉय करते हैं, मैं भी आपके साथ आज थोड़ा एंजॉय शुगल मेला कर देता हूँ। ये चेक करें जी, वाह क्या पल्ला लगा, कसम से आप हैरान हो जाएंगे इस कबूतर की उड़ारी देख के। और ये टेल है जी, अब मैं इसको कौन सी टेल कहूँ, टाई वाली, कौन सी टाई है आप बताइए ज़रा। तो चलें जी, ये एक छोटी सी टाई वाली टेल आपको दिखा दी मैंने, अब इसके पंजों का शौक भी कर लीजिए, ये चेक करें जी इसके पंजे, अब आ जाएं जी पंजों पे, ये देखें जी पंजे इसके, खुश्क पंजे हैं इसके, ठीक है लाल पंजे हैं। अब यहाँ पे आपको ये गहरे मैरून कलर में नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैरून कलर होता ना जैसे, वैसी हल्की शेड दे रहे हैं ये, लेकिन मरून बिल्कुल एग्जैक्टली मरून, काले पंजे जिसको हम कहते हैं वो नहीं है जी। तो चलो ये आ गई जी ओवरऑल बनतर इसकी। अब इसकी थोड़ी सी हड्डी एंड जोड़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको, ये आ गई इसकी जी हड्डी, थोड़ी और जूम आउट करूँ मैं, ये आ गई ये इसकी हड्डी, बिल्कुल सीधी चल रही है जी, हल्की सी गुलाई में हड्डी इसकी, और जोड़ जो है हड्डी से कम भी एक उंगली से ज़्यादा के फासले पे लगा हुआ है इसका, और जोड़ और हड्डी में बहुत ज़्यादा गैप है जी इसका, ये चेक करें जी। और ये कबूतर ओवरऑल चेक कर लें जी बनतर इसकी, ये कबूतर है जी। तो बस कबूतर जो हैं उड़ते हैं, हड्डी जोड़ भी अच्छी हो, पर कुंदा भी अच्छा हो, आँख भी अच्छी हो, पीछे उसके जो मेन चीज़ है वो ब्लड भी अच्छा हो, तो उड़ते हैं जी, सब कुछ उड़ता है। इसकी माँ उड़ी हुई, इसका दादा उड़ा हुआ है, सॉरी नाना उड़ा हुआ है इसका, इसका दादा उड़ा हुआ है, इसकी दादी उड़ी हुई है, हर कोई उड़ा हुआ है, और ये भी उड़ा हुआ है, चेक करें जी ये उड़ा हुआ परिंदा है। लेकिन इसकी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ थोड़ी सी, इसके जोड़ में और हड्डी में ना
जो है जोड़ और हड्डी में एक उंगली से ज्यादा का फासला है। तो ये कबूतर जो है मैं आपसे शेयर किया, जो बताइएगा जरा आपको कैसा लगा और वाह जी वाह करके कमेंट जरूर करिएगा। तो ये इसकी ओवरऑल बनता चेक कर लें, इस ना तो सेबे वाला भाई, मैं आपसे पहले बता देता हूँ आपको, मैंने बताया मैंने ये बना कैसे है। इसकी माँ जो है वो बेसिकली, इसका जो नाना है ना वो जालदार है, ठीक है, और जो इसकी जो है बेसिकली नानी है वो है जीरी, और आगे जो इसकी माँ निकली थी वो इसी कलर में थी, इसी कलर में, और ये अपनी माँ पे गया हुआ है। अब इसका जो बाप था वो था वाइट, कह सकते हैं उसको हम कमग्गर। तो ये कुछ 3-4 नस्लों का मेल खा के ये बना हुआ कबूतर है जी। तो ये देख लें, इसके ऊपर आपको नजर भी आ रहे होंगे, बहुत तेज है, ये पकड़ते नहीं है इनको तो ये बुरा मानते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसको शेड भी आ रही है, ये आराम देखें, काफी सारी शेड्स हैं इसके अंदर नजर आ रही हैं, ये देखें दिख रही हैं, ठीक है, थोड़ा जूम करूँ फिर आपको प्रॉपर नजर आएंगी। ये देखें इसमें ब्राउन पर भी है, हल्का सा ब्राउनिश पर भी है, ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें ब्राउन पर, ठीक है, पर्पल कलर का पर है, ग्रीनिश पर है, और यहाँ पे ग्रे सुरमई जिसको हम कह सकते हैं वो कलर भी है। और इसकी साथ की जो नस्लें हैं ना मेरे पास काफ़ी उड़ी हुई हैं, मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी उड़ी हुई हैं, सिंपल इतना कह सकता हूँ कि हाँ जी उड़ी हुई हैं और काफ़ी उड़ी हुई हैं, और काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा रिजल्ट है। शाम शाम तो खैर आजकल हर किसी का कबूतर उड़ रहा है, हर कोई कहता है मेरा कबूतर शाम को ही बैठता है, ये तो कोई कहता ही नहीं कि हाँ जी दोपहर को भी बैठ जाता है कबूतर। तो चलें जी, ये एक छोटी सी वीडियो जो आपको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कबूतर जो है काफ़ी बुरा मान गया मेरे हाथ में, इसको मैं अब छोड़ देता हूँ केज में। तो चलें जी, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा तो ये कैसा लगा कबूतर आपको। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।